बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू ने सीएम साय की मौजूदगी में गुरुवार को अपना नामांकन जमा किया। सीएम साय ने कहा कि पिछले 4 महीनों में हमने मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है, आगे भी हम गरीबों, युवाओं, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये कहकर लोगों को डरा रही है कि आरक्षण खत्म होने वाला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होने वाला है। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा प्रत्याशी विष्णु यादव समेत कई साथी भाजपा में शामिल हुए हैं। सीएम साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और बंधुओं, अब ये जो लोकसभा के चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख के रात और दिन चिंता करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, जो 10 साल में बड़े बड़े काम हमारे देश में करी रहे हैं, दुनिया में भारत के गौरव बढ़ाई रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आपन सहमत हो ना? सहमत हो तीसरी बार बनाना है नरेंद्र मोदी जी ला? हाँ तो ऐसे नहीं चले भाई, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के एक बार बताओ, चले भारत माता की तो हमला। ये बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी है श्री तोखन साहू जी ला हेमला, आने वाला 7 मई के अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना पड़ी और दिलवाना पड़ी और भारी मत से जिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। आप सब तैयार हो ना? तोखन साहूला आप सबके आशीर्वाद है ना? चले बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लबरा भ्रष्टाचारी ये कांग्रेसिया मल्ला सबक सिखाना है। 5 साल राजकरीन लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के आधार पर एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का अपराध के गढ़ बना दीन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दीन, हर चीज में भ्रष्टाचार करे के काम, कोयला में भ्रष्टाचार तो दारू में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार और तो और नरवा गरवा गुड़वा बारी में गोबर भी हमन खा गिन। आज मन के कितना नेता मन जेल में है कि नहीं? आज मन के बेल लगातार खारिज हो जाते, बार बार खारिज होते है कि नहीं? तो ऐसे कांग्रेसिया मल्ला हमला सबक दिखाना है। इस समय एक भी सीट लेने देना नहीं है ना छत्तीसगढ़ में, 11 से 11 सीट ला जिता के हमके मोदी जी ला सौंपना है कि नहीं? और हमन अभी 4 महीना में मोदी जी के गारंटी ला पूरा करे में कई ठन 7-8 बड़े बड़े काम ला करे हन, चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के काम हो या फिर 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दे हन, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई थे और अंतर की राशि भी एक मुठ दे है ना, 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि के 12 मास के दे है हन। हमार महतारी मल्ला भी महतारी बंधन के दूसरा किस्त दे दे हैं, रामलला दर्शन योजना के काम भी शुरू कर दे हैं, तो सब काम सहायता हो सके नहीं भाई, बाकी कामला भी साय साय कर दो है ना। और अभी हमार मोदी जी संकल्प पत्र जारी करी है मोदी की गारंटी 2024, हमें और बड़े बड़े काम होना है, प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ और आने वाला 5 साल में बनाना है, हमार 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग मला सबला आयुष्मान भारत में शामिल करना है। ये सब बहुत काम और मोदी जी के कृपा से साय साय होने वाला है और इसीलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबके आशीर्वाद मिले, आप सब अपन ला तोखन साहू समझ के प्रचंड मतों से बिलासपुर से
भारतीय जनता पार्टी के सांसद बना के भेजो। नरेंद्र मोदी जिला तीसरी बार हमला प्रधानमंत्री बनाना है और कांग्रेस या मंडन कोई मुद्दा नहीं है। तो एक तो मन भ्रामक प्रचार करते हैं कि दोनों जगह अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी